हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पोर्ट्रॉनिक्स डैश 10 पोर्टेबल पार्टी स्पीकर की अनबॉक्सिंग, रिव्यू एंड साउंड टेस्ट। दोस्तों ये बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है एंड आज हम इस मॉडल को पूरा अनबॉक्स करेंगे, इसके डिज़ाइन को डिटेल में देखेंगे, साथ में इसकी ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी डिटेल में टेस्ट करेंगे एंड देखेंगे कि यार ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा हमें मिलता है, क्योंकि साइज़ इसका काफ़ी कॉम्पैक्ट है बट यार ऑडियो क्वालिटी भी बढ़िया होनी चाहिए। एंड इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है 5,500 रुपीज़। अगर आपको ये स्पीकर को परचेस करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में पीसी मीडिया का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप पीसी मीडिया से भी परचेस कर सकते हैं। साथ में गाइज अगर ये अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट का भी बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, जो मेरा लाइव एक्सपीरियंस होगा टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर करूंगा, साथ में पूरी कोशिश करूंगा कि यार इस प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं। बस आप क्या है कि वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अनबॉक्स करने से पहले हम बॉक्स को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए बॉक्स पर हमें मॉडल का डिजाइन बना हुआ मिल जाता है, साथ में गाइस हमें पावर आउटपुट के बारे में भी मेंशन करा हुआ मिलता है। इस पर हमें 50 वॉट का साउंड आउटपुट मिलता है। बॉक्स के साइड पर देखिए हमें थोड़े फीचर्स के बारे में मेंशन करा हुआ मिलता है, जैसे कि इस पर हमें डुअल कैरियोके माइक मिल जाता है, डुअल बेस रेडिएटर भी मिलता है, मल्टी कलर आरजीबी लाइट्स मिलती हैं, मोबाइल होल्डर का स्पेस भी हमें इस पर मिलता है, टाइप सी की फास्ट चार्जिंग हमें मिलती है, साथ में इस पर हमें टीएफ कार्ड, ऑक्स इन, यूएसबी, ये तीन कनेक्टिविटी ब्लूटूथ के अलावा भी देखने को मिलती है। इनबिल्ट एफएम रेडियो का भी सपोर्ट हमें मिलता है, 50 वॉट का साउंड आउटपुट मिलता है जो कि मैं बता ही चुका हूँ। ब्लूटूथ का 5.3 वर्जन का सपोर्ट हमें इस पर मिलता है एंड 6 आवर्स का प्लेबैक यानी कि बैटरी बैकअप हमें इस पर मिलता है। चलिए गाइस अब अपने बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो गाइज हमने बॉक्स को ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम बॉक्स कंटेंट को डिटेल में दिखाते हैं। टाइप सी केबल हमें मिल जाती है स्पीकर को चार्ज करने के लिए, रिसेंट क्वालिटी की ऑक्स केबल भी हमें मिलती है, यूजर मैनुअल भी मिलती है, साथ में हमें 2 चार्जेबल वाले माइक इस पर मिलते हैं। देखिए नीचे से हम इसे चार्ज कर पाएंगे, आगे डिटेल में टेस्टिंग कराएंगे। बाकी अगर डिजाइन की बात करें, क्वालिटी की बात करें, बढ़िया हमें मिल जाती है माइक की क्वालिटी। अब गाइज हम आपको स्पीकर को डिटेल में दिखाते हैं। सो देखिएगा आप, ये देखिए गाइस क्या छोटू सा स्पीकर है, मतलब साइज देख के तो मजा ही आ गया। बॉक्स के जब बाहर से हम इसका डिजाइन देख रहे थे तब भी नहीं लग रहा था कि यार इतना छोटा निकलेगा। एक बार मैं और पास से दिखाता हूँ आपको, देखिए बहुत ही छोटा सा पार्टी स्पीकर है, ब्लूटूथ स्पीकर नहीं है, मतलब एक प्रॉपर पार्टी स्पीकर है। सो देखते हैं अब यार ऑडियो क्वालिटी कैसी हमें मिलती है। बाकी डिजाइन में तो मजा आ गया, वॉल टाइप का हमें मिल रहा है ये देखने में। चलिए इसे ऑन करते हैं एंड जो सामने की तरफ से लाइट इफेक्ट है ना ये देखते हैं सबसे पहले। Power on. Bluetooth mode. Your device is ready to pair. तो गाइज हमने इसे ऑन कर दिया है। ये है ना टेक्नोलॉजी, देखिए पहले थोड़े पोर्टेबल स्पीकर चलते थे पार्टी स्पीकर में, अब देख लीजिए जमाना इतना आ गया कि इतने छोटे पोर्टेबल पार्टी स्पीकर हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले जो ये आरजीबी लाइट इफेक्ट है ना, ये भी हमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ लाइट पैटर्न को चेंज करके। ऊपर से बटन हमें मिलता है, ये देखिए गाइज। सो आपको जिस तरीके का पैटर्न बढ़िया लगता है आप उसमें रख सकते हैं एंड अगर आप इस बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे ना तो लाइट्स को आप ऑफ भी कर पाएंगे। चलिए अब हम आपको स्पीकर को डिटेल में दिखाते हैं। सबसे पहले अगर हम फ्रंट साइड को डिटेल में देखें तो हमें देखिए मैश मेटेलिक मैश इस पर मिल जाती है एंड इसकी ना गाइस क्वालिटी हमें काफी बढ़िया मिलती है। तो थोड़ा सा मैं क्लोज से आपको दिखाता हूँ, ये देखिए गाइस। एक बार मैं लाइट्स को ऑफ करके भी दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से पता लग सके। ये देखिए मतलब जैसे कि JBL में सोनी में हमें ग्रिल मिलती ना उस तरीके की ग्रिल दे रही है, थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी है इसकी। पोर्ट्रॉनिक्स की ब्रांडिंग भी हमें देखिए बीच में मिलती है। दोबारा से लाइट को ऑन कर लेते हैं एंड अंदर से ना गाइज हमें 50 वॉट का इस पर ड्राइवर मिल जाता है, बट ये चीज़ मेंशन नहीं करी गई है कि ये कितने इंचेस का है। चलिए अब हम स्पीकर के इस साइड से भी डिटेल में आपको दिखाते हैं। देखिए हमें पैसिव बेस रेडिएटर मिल जाता है एंड पैसिव बेस रेडिएटर ना इस पर हमें दोनों साइड से मिलता है, ये देखिए इस साइड से भी हमें मिल जाता है एंड इसका डिज़ाइन भी बढ़िया लग रहा है। साथ में जो ये ऑरेंज का पैटर्न दे रखा है ना ये भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है, JBL से ही इंस्पायर्ड है ये, क्योंकि JBL में ही आपको देखने को मिलता है ऑरेंज पैटर्न। चलिए अब मैं आपको इसके टॉप साइड को डिटेल में दिखाता हूँ। टॉप साइड पर देखिए हमें बटन्स मिल जाते हैं, प्ले पॉज का बटन मिलता है,
पावर ऑन ऑफ का बटन मिलता है, यहाँ पे से हम मोड को चेंज कर सकते हैं एंड लाइट इफेक्ट को इस बटन से हम चेंज कर पाएंगे, साथ में ऑफ भी हम यहीं पे से कर पाएंगे। एंड देखिए टू बटन्स हमें और मिल जाते हैं, प्रीवियस नेक्स्ट का भी हम इनसे यूज कर पाएंगे एंड अगर हम इन्हें लॉन्ग प्रेस करेंगे तो हम वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज भी कर पाएंगे। टॉप साइड पर ही हमें फोन होल्डर भी इस पर मिलता है, सो आप इस तरीके से अपने फोन को रख पाएंगे एंड अगर मैं दिखाऊं आपको तो कुछ इस तरीके से हमें फोन होल्डर के लिए स्पेस यहाँ पर मिलता है, बट साइड से हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, अगर फोन में भी डिसबैलेंस हुआ तो गिर सकता है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एंड बैक साइड पर देखिए हमें हैंडल भी मिलता है स्पीकर को होल्ड करने के लिए। चलिए अब बैक साइड को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए यही स्पेस है जो हमारा हैंडल का काम कर लेगी, वैसे बहुत ही छोटा सा है, दिक्कत तो वैसे आनी नहीं है इसमें। एंड नीचे से ही हमें पोर्ट्स मिलते हैं, तो इन्हें डिटेल में देख लेते हैं। तो गाइज इस पर हमें पोर्ट्स जो है कवरिंग के साथ देखने को मिलते हैं, इसे हटा देते हैं। देखिए हमें टाइप सी पोर्ट मिल जाता है स्पीकर को चार्ज करने के लिए, TF कार्ड स्लॉट मिल जाता है, USB पोर्ट मिलता है, साथ में ऑक्स पोर्ट भी मिलता है। एंड बैक साइड पर ही देखिए हमें JBL की तरह इस पर लाइनिंग वाला टेक्सचर भी देखने को मिलता है। नीचे से देखिए हमें रबर पैडिंग भी लगी हुई मिलती है इस पर। तो हमने आपको स्पीकर को तो डिटेल में दिखा दिया है, अब इसको मेजरमेंट भी कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी हाइट नापते हैं। देखिए गाइस इसकी जो हाइट है वो 8 इंचेस की है। अब गाइस इसे फ्रंट साइड से भी नाप लेते हैं, यह देखिए 7 इंचेस। टॉप से भी नाप लेते हैं हम, ये भी अप्रोक्स 7 इंचेस पे ही है। अब दोस्तों हम अपने फोन को इसके साथ कनेक्ट करते हैं एंड आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी टेस्ट कराते हैं, देखते हैं परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसा हमें मिलता है। प्लीज आप लोग अपने हेडफोन्स का यूज करिएगा एंड रेडी रहेगा, जल्दी इसका हिंदी पे भी साउंड टेस्ट आ जाएगा इंस्टाग्राम पे। हम इसका इंडोर पे भी टेस्टिंग देंगे आपको अभी एंड आउटडोर पे भी देंगे। तो गाइज यार हमने आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी काफी डिटेल में टेस्ट करा दी है, मेरे हिसाब से अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये जो छोटू सा लिलीपुट स्पीकर है परफॉर्मेंस कैसा दे रहा है। गाइज अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना तो मुझे इसकी ऑडियो क्वालिटी बढ़िया लगी है, जबकि साइज बहुत छोटा सा है, कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा है 5,500, बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि यार आप इसे परचेस कर सकते हैं। एक तो इस पर जो दो हमें पैसिव बेस रेडिएटर मिलते हैं ना, बेस सही में मतलब इतने छोटे के हिसाब से बहुत अच्छा फील हो रहा है। अगर मैं क्लियरिटी की बात करूँ तो गाइज ये भी हमें काफी बेस्ट मिल जाती है, मतलब कि हमने बहुत सारे ट्रैक्स प्ले करे मैक्स वॉल्यूम में इस पर सॉन्ग्स प्ले करे, साउंड बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, यानी कि फट नहीं रहा था, तो ये चीज भी मुझे काफी बेस्ट लगी है। एंड अगर मैं लाउडनेस की बात करूँ, जैसे कि ये 50 वाट का है, इसके साइज के अकॉर्डिंग तो आप कहेंगे कि ये काफी ज्यादा लाउड है, बट हाँ अगर आप 50 वाट के कोई बड़े पार्टी स्पीकर से देखें तो वहां पर लाउडनेस में तो कमी होगी, बट इस पर क्या है ना गाइस क्वालिटी वाला साउंड आपको मिल जाएगा, जैसे कि मतलब कि JBL FND के पार्टी स्पीकर्स पे आपको साउंड एक्सपीरियंस होता है ना, मतलब उनमें तो खैर बहुत अच्छा होता है, बहुत डीप बेस होता है, बट उसी लेवल का हमें साउंड सिग्नेचर इस पर भी देखने को मिलता है। छोटा है बट है जबरदस्त, सो ये उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट होने वाला है जो लोग मतलब अब पर्सनल यूज के लिए कोई बढ़िया सा पोर्टेबल पार्टी स्पीकर परचेस करने की सोच रहे हैं। ये उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है जिनको बड़े ग्रुप में गेट टुगेदर में पार्टी में यूज करना है, उन लोगों के लिए तो नहीं है, बट पर्सनल यूज के लिए काफी बेस्ट रहेगा, या आप पर्सनल ट्रैकिंग करते हैं तब के लिए भी काफी बेस्ट है, या कैंपेन करते हैं तब के लिए भी काफी बेस्ट है, ओवरऑल परफॉर्मेंस बेस्ट है। मतलब आप सामने सुनेंगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि यार इतने छोटे में इतनी बेटर साउंड क्वालिटी हमें मिल रही है। सो यहाँ पर पोर्ट्रॉनिक्स ने काम तगड़ा करा है, मतलब कि एक अलग ही सेगमेंट क्रिएट करके दे दिया है मार्केट में, जो कि इतने छोटे साइज में इतना बढ़िया साउंड एक्सपीरियंस हमें
प्रोवाइड कर रहा है। अब दोस्तों हम इसकी माइक क्वालिटी भी टेस्ट कराते हैं। तो सर कैमरे को पास ले आइए, देखिए दोनों माइक पर हमें पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, साथ में प्लस माइनस यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए बटन्स मिलते हैं एंड इफेक्ट का भी बटन मिल जाता है, मतलब कि यहाँ से हम वॉइस को भी चेंज कर सकते हैं। एंड ये जो माइक है ना ये चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, सो बैटरी का भी झाड़ इस पर नहीं है। सो मैं एक ही को ऑन करता हूँ एंड आपको इसकी टेस्टिंग कराता हूँ। माइक्रोफोन मोड, तो देखिए जैसे ही हमने इसे ऑन करा ये ऑटोमेटिकली इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। अब मैं बोल के दिखाता हूँ आपको। हेलो, हाय गाइस, क्या हाल चाल है? सही है यार, आवाज तो सही कैप्चर कर रहा है हमारी, तो वॉइस वो कितनी बढ़िया कैप्चर कर रहा है, मतलब कि कैरियो के आधार पे आपका चलता है। अब सर एक बार और ऐप को पास कीजिए। देखिए यहीं पे से हम माइक की वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, साथ में हमें इफेक्ट का जो बटन मिलता है ना इसे प्रेस करके देखते हैं कौन कौन सी वॉइस चेंज होती है, ये चीज देख लेते हैं। हेलो, हाय, हेलो, हेलो हाँ, तो हम यहाँ से माइक की वॉल्यूम को भी कम कर पाएंगे। अब फिर से बढ़ा लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाय, क्या हाल चाल है? साथ में गाइस माइक पर देखिए हमें लाइट भी मिल जाती है आरजीबी पे, ये भी बढ़िया लग रही है, मतलब कि रात को अगर आप सिंगिंग करेंगे ना तो दोनों पे लाइट भी जलेगी। तो हमने माइक क्वालिटी भी आपको काफ़ी डिटेल में टेस्ट करा दी है, परफॉर्मेंस आपको पता लग गया होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप की कि यार इस स्पीकर पर हमें कितना बढ़िया बैटरी बैकअप मिल जाता है। वैसे इस पर हमें 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है एंड अगर हम प्ले ऑन टाइम की बात करें ना तो 4 से 6 घंटे के बीच में आपको प्ले ऑन टाइम इस पर मिलेगा। वो वेरी करता है आपके म्यूज़िक ट्रैक पे, अगर आप हैवी बेस वाला म्यूज़िक सुन रहे होंगे तो बैटरी बैकअप कम ही मिलेगा ऑब्वियसली, एंड साथ में जो लाइट इफेक्ट है इसके थ्रू भी जो है कहीं ना कहीं बैटरी जल्दी ड्रेन होगी। बट अगर हम इसको 50% की वॉल्यूम में सुनेंगे, लाइट्स को ऑफ करके सुनेंगे तो अच्छा बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा, क्योंकि 6000 mAh की बैटरी मिली है वो भी फास्ट चार्जिंग के साथ, तो कहीं ना कहीं बैटरी बैकअप इसका अच्छा ही रहेगा। सो मेरे हिसाब से गाइज आज की वीडियो में आपको लिलीपुट यानी कि छोटे से स्पीकर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी आपका कोई डाउट रहेगा तो ज़रूर से कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए Goodbye.